सुटेट फैमिली, आज हम बात करेंगे लैपटॉप की। तो भाई अगर आपका बड़े 50,000 है, अगर आपको लाइक दिवाली फेस्टिवल में लैपटॉप चाहिए तो आज मैं आपके लिए लैपटॉप बताऊंगा, ठीक है। टॉप 5 बताने वाला हूं, तो बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 की बात करूं, नंबर 5 पे यार मैंने रखा लिनोवो की ओर से लैपटॉप। मैं बात कर रहा हूं लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 की। अगर इस लैपटॉप की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूं, आपको 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन लुक वगैरह आपको पसंद आएगा। अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूं, आपको लाइक 53,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है, अमेजोन पे फिक्स नहीं होता, ठीक है। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूं, अगर आप कार से शॉपिंग करते हो ना तो आपको 2,000 का ऑफ मिल जाता है। तो इसका प्राइस अगर आपको 52,000 या 53,000 मिल भी जाता ना तो आपकी प्राइस रेंज में सेटअप बैठ जाएगा। आपको चेकआउट करते रहना पड़ेगा। कभी कभी इसका प्राइस आपको 49,999 के प्राइस रेंज में भी देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, तो आपको 15.6 इंच के साथ डिस्प्ले मिलेगी। फुल एचडी डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। i5 11th जनरेशन मिल जाता है। इंटेल की ओर से लेटेस्ट प्रोसेसर है i5 11th जनरेशन। 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड कर सकते हो आप 12GB तक। प्लस आपको इसमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, तो अगर आप 40,000 से नीचे जाओगे ना तो उसमें आपको 256GB स्टोरेज मिलेगा। एंड अगर आपका बजट 50,000 से अपर जा सकता है ना तो उसमें आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। तो आप देख लेना, अगर आपका बजट कम है ना तो एक इसका वेरिएंट और भी आता है जो कि आपको 57,000 से लेकर 58,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिलता है, लेकिन उसमें आपको 256GB SSD मिल जाती है। जो अदर स्पेसिफिकेशन है वो आपको सिमिलर सेम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बैटरी की, तो आपको 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। रैपिड चार्जर टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, मतलब 80% चार्ज कर देगा लैपटॉप को सिर्फ 1 घंटे में। 720p वेब कैमरा मिल जाता है, प्लस प्राइवेसी शटर के साथ देखने को मिलेगा। पोर्ट्स आपको सभी मिल जाएंगे, बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है, प्लस 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 में। यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 के, मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं। अगर आपका बजट 49,999 से लेकर अगर आपका बजट लाइक 53,000 तक चला जाता है तो उसमें आपको ना 512GB NVMe SSD मिल जाती है। लेकिन अगर आपका बजट 50,000 से कम है ना तो 47,000 से लेकर 48,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स मिलता है आपको लैपटॉप, यही लैपटॉप जिसमें आपको 256GB SSD मिल जाती है। तो यार अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप एक्स्ट्रा पे कर देना, लेकिन अगर आप 256GB स्टोरेज से काम चला सकते हो तो आप इसकी ओर जा सकते हो, जो आपको 47,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। तो स्टोरेज का कोई पंगा नहीं है, तो आप देख लेना जो वेड आपको सही लगता है आप उसके और जा सकते हो। बात है पैसे की, अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो आप चले जाना, अगर आप एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, इन फ्यूचर आप अपग्रेड कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं नंबर 4 की। मैं नंबर 4 की बात करूं, तो नंबर 4 पे यार मैंने रखा है ASUS VIEWBOOK 4 Ring को। तो सबसे पहले ये भी आपको 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है। लाइट वेट लैपटॉप है, हैंडी लैपटॉप है। अगर आपने कहीं भी कैरी करना है, ट्रैवलिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, आपके लिए बेस्ट डील होने वाला है। प्लस अगर आपने कॉरल ड्रॉ पे काम करना है, फोटोशॉप पे काम करना है, ईजिली कर लोगे, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, 4 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ मिलती है। i5 11th जनरेशन देखने को मिलेगा जो कि 4 कोर का प्रोसेसर है। Intel Iris Xe ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। 8GB रैम मिल जाती है, प्लस 12GB अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। प्लस इसमें आपको ना 1TB HDD देखने को मिलेगी, प्लस 256GB SSD देखने को मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडोज 10 देखने को मिल जाती है, फ्री अपग्रेड भी मिल जाता है, 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है, पोर्ट्स आपको सभी मिल जाएंगे। प्राइवेसी की बात करूं ना तो आपको फिंगरप्रिंट रीडर देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूं तो ASUS VIEWBOOK जो 14 है ना, आपको 51,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है, अमेजोन पे फिक्स नहीं होता, आपको चेकआउट करते रहना पड़ेगा। लेकिन जब भी मैं देख रहा हूँ ना तो इसका प्राइस 51,000 देखने को मिल जाता है। मैं आपको शो वगैरह भी वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आगे बात कर लेते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूँ, नंबर 3 पर यार मैंने रखा है HP 4 Ring को। तो यार सबसे पहले इसके प्राइस रेंज की बात करता हूँ, ये लैपटॉप भी आपको ना 51,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिलता है, लेकिन इसका प्रोसेसर बेस्ट है। एंड सबसे ज़्यादा मैसेज HP के लैपटॉप के लिए आते हैं कि भाई मुझे HP का लैपटॉप चाहिए, गेमिंग डिजाइन भी नहीं चाहिए, चाहिए HP का लैपटॉप, एंड मेरा बजट 40,000 है, 50,000 है, ऐसे है जो वैसे है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से आते हो आप जा सकते हो HP 4 Ring की, और इसका प्रोसेसर बेस्ट मिल जाता है आपको। AMD Ryzen 5 देखने को मिलेगा 5500U के साथ, ठीक है, जो कि सच में बेस्ट होने वाला है। अगर मैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, 14 इंच के साथ डिस्प्ले मिल जाती है जो कि फुल HD डिस्प्ले। प्रोसेसर मैंने आपको पहले बता दिया, 8GB रैम मिल जाते हैं, 16GB अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, 512GB आपको SSD देखने को मिल जाती है। AMD Radeon ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। अगर आपका कोई काम ग्राफिक के रिलेटेड है ना,
वहाँ पर भी करवा देगा। अगर आपने एनिमेशन करनी है, कार्टून वगैरह भी ड्रॉ करने हैं, वो भी कर लोगे, वहाँ पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 देखने को मिलेगी, फ्री अपग्रेड मिल जाता है, विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हो। 2019 वर्जन आपको एमएस ऑफिस मिल जाता है, अलेक्सा बिल्ट इन मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है, पोर्ट्स आपको सभी मिल जाएंगे, 5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है HP 14 में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया HP 14 के भी, तो भी अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है तो भी आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो, ठीक है। अभी नंबर 2 की बात करते हैं, तो नंबर 2 एंड नंबर 1 मैं मतलब लैपटॉप आपको बहुत बता सकता हूँ इतने प्राइस रेंज में, लेकिन अभी मैं ना आपको नंबर 2 एंड नंबर 1 दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, बिकॉज मैं आपको सिर्फ एक लैपटॉप बताने वाला हूँ, ठीक है। वो गेमिंग के लिए होने वाला है, वीडियो एडिटिंग के लिए होने वाला है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा बिक रहा है। अगर आपका बड़े 50,000 से थोड़ा सा अपर जा सकता है ना, तो यार आपको 55,000 के प्राइस रेंज में ये लैपटॉप मिल जाता है। तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो आपको मिलता है ना लैपटॉप, वो 50,000 से अपर ही होते हैं भाई, नीचे नहीं मिलता। मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपको बेस्ट लैपटॉप चाहिए, थोड़ा सा इंक्रीज जा सकते हो, बजट से आगे जा सकते हो, तो आप इसी लैपटॉप की ओर जाना। मैं बात करूँ इस 7 की, अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूं तो आपको 15.6 इंच के साथ डिस्प्ले मिलेगी, जो कि फुल HD डिस्प्ले, IPS लेवल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। AMD Ryzen 5 देखने को मिलेगा, 5500U के साथ प्रोसेसर बेस्ट होने वाला है, 8GB रैम मिल जाता है, 32GB अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, $5 आपको NVMe SSD देखने को मिल जाती है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है GTX सीरीज की ओर से, 1615 देखने को मिलेगा 4GB के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 मिल जाता है, एंड पोर्ट्स आपको सभी मिल जाएंगे Acer Inspire 7 में। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए Acer Inspire 7 के, एंड अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूँ तो आपको 55,000 के प्राइस रेंज में मिल जाता है, लेकिन अगर आपको इसका बजट ना 55,000 से अपर जाएगा तो इस लैपटॉप को मत लेना। अगर आपको बजट रेंज जो है ना 55,000 के प्राइस रेंज में ये लैपटॉप मिल जाता है ना, तो और किसी लैपटॉप की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, पैसा वसूल होने वाला है, ठीक है। इतने प्राइस रेंज में मैं आपको सूस ऑफ गेमिंग भी बता सकता हूँ, लेनोवो आइडियापैड गेमिंग भी बता सकता हूँ, HP पवेलियन भी बता सकता हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है ना 55,000 के प्राइस रेंज में, मैंने आपको वही लैपटॉप बताया Acer Inspire 7, आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। अगर आपके बड़े 50,000 है, जब 50,000 से थोड़ा सा अपर जा सकते हो, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो ना, मतलब 4 से 5 या 6 साल भी अगर आपने लैपटॉप यूज़ करना है, तो Acer Inspire 7 की ओर जाना, 5,000 एक्स्ट्रा पे कर दो, लेकिन 5 साल आपके नॉर्मली निकल जाएंगे, बिकॉज रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है, AMD Ryzen 5 मिल जाता है 5500U के साथ, प्रोसेसर बेस्ट होने वाला है, एंड आपको ना 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, तो ग्राफिक के रिलेटेड अगर आपका कोई काम होगा वहां पर भी आप काम कर सकोगे, वीडियो एडिटिंग भी कर सकोगे, गेमिंग भी कर सकोगे, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है वो भी यूज कर सकोगे। और मैं बोलता थक गया। सो अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ, नया टॉपिक लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।